के लिए केला देवी के लक्खी मेले के बाद धौलपुर मुख्यालय पर आई विभिन्न आगारों की सैकड़ों बसों को धौलपुर रोडवेज प्रशासन ने लौटा दिया है। केला देवी का लक्खी मेला 20 मार्च से शुरू होने जा रहा था। मेले में सरदारों के लिए रोडवेज मुख्यालय ने विभिन्न आगार से करीब 300 बसें लगाई थी। केला देवी का लक्खी मेला निरस्त होने और यात्रियों के वापस से लौटने और रोडवेज को होने इससे रोडवेज को करीब 55 लाख रुपए की आय का नुकसान हो गया, क्योंकि पिछले वर्ष धौलपुर रोडवेज को मेला करीब से 54,54,000 की आय हुई थी। तो वहीं बात की जाए तो कोरोना वायरस के चलते रोडवेज को हमेशा 65% यात्री भार का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोडवेज प्रशासन के मुताबिक केला देवी के लक्खी मेले के लिए ब्यावर, बारा, बीकानेर, कोटा आधा दर्जन डिपो से सैकड़ों बसें आई थी, लेकिन केला देवी का मेला निरस्त होने से सभी बसों को वापस रवाना कर दिया गया है। आगरा यूपी के अंदर भी कोरोना वायरस के पेशेंट मिले हैं, उसकी वजह से हमारा क्षेत्र